नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेम राज एसोसिएट्स में। आज हम आपके लिए एक ऐसा 3 BHK का फ्लैट लेके आए हैं जिसके साथ आपको मूवी थिएटर मिलता है, लाइब्रेरी मिलता है, जिम की फैसिलिटी आपको मिलती है, प्ले एरिया बहुत ही बड़ा, फुटबॉल क्रिकेट आप सारी चीजें खेल सकते हैं, स्विमिंग पूल भी मिलता है, मंदिर एरिया भी मिलता है, अलग से पूरा सेपरेट करके मंदिर एरिया भी बनाया गया है। पूरी की पूरी फैसिलिटी आपको एक ही बिल्डिंग के अंदर मिलने वाली है। बैक साइड से मैं आपका 3 BHK दिखा रहा हूँ, एंट्रेंस आपकी फ्रंट साइड से रहेगी। फ्रंट में आपका 30 फुट का रोड है, नियर बाय मेट्रो स्टेशन उत्तम नगर वेस्ट है। इस 3 BHK की बात करें तो 100 गज में आपकी यूनिट तैयार की गई है। और लेआउट से स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी एंट्रेंस होने वाली है, ये आपकी एंट्रेंस है। यहाँ पे आपका पहला बेडरूम आने वाला है जो कि आपका किड्स बेडरूम रहेगा। ये आपका कॉमन वॉशरूम है। ये एरिया जो है पूरा का पूरा आपका ड्राइंग एरिया है जिसके साथ आपको डाइनिंग सेट भी मिलता है। इस साइड से आपका किचन एरिया है। ये आपका दूसरा बेडरूम है जिसके साथ आपको बैल्कनी का एक्सेस मिलता है। और ये आपका तीसरा बेडरूम है जिसके साथ आपको एक अटैच वॉशरूम मिलता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने ड्राइंग एरिया से। तो 8 सीटर आपका ये सोफा यहाँ पे लगाए गए हैं, 2 पफीज यहाँ पे है, 2 यहाँ पे राउंड कॉफी टेबल है, कारपेट है। फुल्ली फर्निश्ड का मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ, दोनों ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। इसी के सामने आपका बहुत ही बड़े एरिया में वुडन टेक्सचर में टीवी पैनल होने वाला है जिसके नीचे आपको स्टोरेज एरिया एंड डेकोरेशन के लिए स्टोरेजेस भी मिलते हैं। पीछे आपका लोअर से काम किया गया है, ऊपर आपकी AC की वायरिंग है, यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस मिलते हैं। ऊपर बहुत ही बढ़िया फैंसी लाइट मिलते हैं, फॉल सीलिंग का वर्क देखेंगे बहुत ही बढ़िया डिफरेंट लुक में किया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपका मॉड्यूलर लुक में सैंडलर भी लगाया गया है। इस साइड से आपका बहुत ही बड़े एरिया में क्लॉक एरिया आता है, इसे राउंड 3 POP स्टाइल में बनाया गया है एक स्पेशली क्लॉक के लिए। तो यहाँ पे आपको एक क्लॉक भी लगा के दिया जाता है। इस साइड की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 4 सीटर डाइनिंग मिलने वाला है। ठीक इसके सामने किचन है, किचन से जैसे ही सर्व होगा यहाँ पे आप बैठ के खा सकते हैं, आपके लिए स्पेसेस बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। बैक वॉल की बात करें तो पीछे वॉलपेपर का वर्क दिया गया है, कुछ प्रोफाइल लाइट्स के साथ लीफ वाले डिजाइन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक इसके सामने बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाता है किचन एरिया। तो फ्रिज की स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपका फ्रिज आने वाला है और ये आपका स्पेस है किचन एरिया में। यू टाइप का किचन बनाया गया है। एंट्रेंस आप देखेंगे तो प्रोफाइल लाइट का वर्क यहाँ पे किया गया है और एक यहाँ पे मॉन्की भी लगाया गया है। और एंटर करेंगे यहाँ पे आपका नैनो स्लैब का यूज किया गया है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। अपर कैबिनेट्स की बात करें तो ये आपके मिरर वाले कुछ अपर कैबिनेट्स रहने वाले हैं, तो हर तरीके के अपर कैबिनेट्स कुछ इसी तरीके से होंगे। यहाँ पे आपके सेंसर वाली चिमनी लगाई गई है। लोअर कैबिनेट्स की बात करें तो इस तरीके से आपके ये लोअर कैबिनेट्स भी बनाए गए हैं। यहाँ से ये आपकी चिमनी इस तरीके से ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे आपका सिंक एरिया आने वाला है जिसके ऊपर आपको प्यूरीफायर भी सेट करके दिया जाता है। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे इसके साथ विंडो मिलती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा किचन एरिया है। चलते हैं अपने पहले बेडरूम के साथ जिसके साथ आपका बैल्कनी अटैच है। तो स्पेसेस आप देखेंगे बहुत ही अच्छा दिया गया है। इस रूम में वार्डरोब सेक्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट स्पेस आपको पूरा मिलता है। आप अपने हिसाब से वार्डरोब सेट कर सकते हैं। दोनों ही साइड से बहुत ही बड़े बड़े वार्डरोब आ जाएंगे, चाहे तो बहुत ही बिग साइज का वार्डरोब आप प्लेस कर सकते हैं बेड को एक साइड लगा के। तो ये आपका बेड एरिया है जो कि ग्रीन कलर में लगाया गया है। फ्लोरिंग आप देखेंगे पूरे के पूरे फ्लैट में वुडन की गई है जो आपको एक ठंडक वाली पीसफुल फील देती है। तो यहाँ पे आपका एक लैंप मिलता है। बैक वॉल की बात करें तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर का वर्क मिलता है। ऊपर फॉल सीलिंग कुछ है गोल्ड एंड ब्लू लुक में। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो मिलती है। ठीक इसी के ऊपर विंडो एसी के लिए आपको एक स्पेस मिलता है। कर्टेंस लगा के आपको मिलते हैं और इस तरीके से आपका बैल्कनी रहेगा इस साइड से। तो बैक वाली मैं आपको अभी 3 BHK की यूनिट दिखा रहा हूँ। डेकोरेशन बहुत ही अच्छे से हर एक यूनिट में की गई है। ब्रॉडर एरिया बहुत दिया गया है बैक में बालकनी होने के बावजूद। आप देखेंगे 4 फिट का यहाँ पे वाइड एरिया यहाँ पे बैल्कनी में दिया गया है। 3 चेयर और एक यहाँ पे टेबल मिलती है। कॉफी टी आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। डेकोरेशन आप देख सकते हैं किस तरीके से हर एक जगह को की गई है। वुडन टाइल यहाँ पे वर्क पूरा का पूरा किया गया है और ऊपर PVC का काम आपका किया गया है वुडन टेक्सचर में। सैंडलर आप देखेंगे बहुत ही प्यारे से यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे आपको इस हाइट तक की ग्रिल मिलती है, बहुत ही अच्छे एक ग्लास मिलती है, प्लस यहाँ पे लोहे का काम भी किया हुआ है पीछे पूरे बैल्कनी में। तो इस तरीके से हमारा अटैच बैल्कनी है। तो ये आपने देख लिया है हमारा पहला बेडरूम। इसके बाद चलते हैं अपने दूसरे बेडरूम की ओर जो कि इसी के साथ अटैच रहने वाला है। तो ब्लैक थीम में ये बेडरूम तैयार किया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पे टेक्सचर दोनों तरफ से रहने वाला है। एरिया आप देखेंगे बेड एरिया यहाँ पे है। यहाँ पे आपकी इतनी लेवल की कुशिंग दी गई है। दोनों तरफ से आपको एक अच्छे खासे एरिया में वार्डरोब सेक्शन मिलने वाले हैं। नीचे भी आपको स्टोरेज एरिया मिलेंगे। दोनों साइड से आपको एक नाइट लैंप मिलेगा। पीछे आप देखेंगे पेंटिंग्स लगी है, तो आप अपने यहाँ पे फैमिली पेंटिंग्स भी लगा सकते हैं। इसी के लिए ऊपर यहाँ पे फैंसी लाइट्स भी
दी गई है। ऊपर फॉल सीलिंग की बात करेंगे तो बहुत ही डिफरेंट मॉड्यूलर लुक में आप देखेंगे, गहराई बहुत अच्छी दी गई है इस पूरे फॉल सीलिंग में। इसी के सामने आपका बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर आप देखेंगे, वॉलपेपर यहाँ पे लगाया गया है, टीवी पैनल आपको मिलता है, टीवी आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, चारों तरफ से आपको मोल्डिंग्स मिलते हैं, ऊपर यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेसेस मिलते हैं, वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो मिलने वाली है और ठीक ऊपर विंडो एसी के लिए आपको स्पेस भी मिलने वाला है। इसके साथ अटैच है आपका वॉशरूम, तो वॉशरूम आप देखेंगे सारे एरिया यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये आपका शावर एरिया है, इस साइड से आपको वॉल माउंटेड वॉश बेसिन मिलने वाला है, इसी के ऊपर लुकिंग मिरर मिलती है और इसके अंदर आपको स्पेस भी मिलता है। और वेंटिलेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मिलती है। तो इस तरीके से हमारा वर्क रहेगा अटैच वॉशरूम के अंदर। तो ये आपने देख लिया है हमारा दूसरा बेडरूम, चलते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की ओर। तो ये हमारा यहाँ पे कॉमन वॉशरूम रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे काम किया गया है, यहीं पे आपको एक हेयर ड्रायर भी लगा के मिलता है और इस तरीके से आपको यहाँ पे लुकिंग मिरर भी मिलती है जो कि अलग अलग लाइट्स में कलर चेंज भी होंगी। इस साइड से आपको ये ग्लास पार्टीशन आपको मिलता है और ये आपका शावर एरिया है, बहुत ही मॉड्यूलर लुक में यहाँ पे शावर बनाया गया है। आप जरा डिटेलिंग देखेंगे किस तरह का आपका यहाँ पे शावर लगाया गया है, फिंगरप्रिंट वाला ये शावर है, हर एक तरह का प्रेशर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे शावर एरिया है, टाइल का वर्क आपको टॉप तक मिलेगा, गीजर भी आपको यहाँ पे फिट लगा के दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा कॉमन वॉशरूम है, चलते हैं अपने लास्ट थर्ड बेडरूम की ओर। तो इस तरीके से हमारा थर्ड बेडरूम रहेगा जिसके आप एंट्रेंस देखेंगे तो एंटर करते ही आपको यहाँ पे बहुत ही बड़े एरिया में स्टडी टेबल मिलने वाला है जिसके अंदर आपको स्पेसेस मिलते हैं, ड्रॉअर्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको स्टोरेज एरिया मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको स्विच भी मिलते हैं, आप अपना फ़ोन मोबाइल सब चार्ज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलती है। फॉल सीलिंग की बात करें तो ऊपर क्लाउडी टेक्सचर में आपका फॉल सीलिंग बनाया गया है क्योंकि किड्स बेडरूम होने वाला है। आप सोच रहे होंगे वार्डरोब सेक्शन कहाँ है, यहाँ पे इतना बड़ा स्टडी टेबल है, तो ठीक इसी के अपोजिट साइड में आपका बहुत ही बड़े एरिया में वार्डरोब सेक्शन, पूरे वॉल माउंटेड वार्डरोब सेक्शन ये होने वाला है। स्पेस की कोई कमी नहीं होने वाली है, ऊपर आपको स्टोरेज एरिया मिलते हैं, यहाँ पे आपको लुकिंग मिरर मिलते हैं, नीचे आपको स्टोरेज एरिया मिलने वाले हैं। ये आपका बेड एरिया है, इसके पीछे आप कुशनिंग देखेंगे तो बहुत ही प्यारे लुक में रैबिट ईयर्स की शेप में आपका कुशनिंग यहाँ पे लगाई गई है। पीछे बहुत ही चिल्ड्रन फैमिली यहाँ पे कलर यहाँ पे यूज किया गया है, ब्लू कलर। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा किड्स बेडरूम रहने वाला है जिसके नीचे आप फ्लोरिंग देखेंगे वुडन टाइल्स ही रहने वाली है। तो इस तरीके से आपने इस फ्लैट का इंटीरियर देख लिया है। इसके बाद चलते हैं अपने टेरेस गार्डन की ओर। ये आपका टेरेस एरिया है जिसके अंदर आपको सारी की सारी फैसिलिटी इन फ्लैट ही मिलने वाली है। सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ पे आपका क्लब एरिया आ जाता है। ये आपको यहाँ पे बहुत ही बड़े साइज में आपको काउंटर टेबल यहाँ पे मिलने वाला है। इसी के बाद ये तो आपका ये वाला एरिया हो गया, इसके साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है मूवी थिएटर। तो इस तरीके से आपका इन होम मूवी थिएटर बनाया गया है, 50 सीटर यहाँ पे आपका मूवी थिएटर है। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है मूवी थिएटर में, चारों तरफ से आपका लोअर से डिजाइन किया गया है, वुडन टेक्सचर की टाइल्स लगाई गई है, ऊपर भी वुडन टाइल्स का ही वर्क किया गया है, हर जगह से आपके फैंसी लाइट रखे गए हैं। यहाँ पे आपका बहुत ही बड़े साइज में प्रोजेक्टर भी लगाया गया है, दोनों साइड से बहुत ही बड़े बड़े स्पीकर यहाँ पे लगे हुए हैं। पूरा जो मजा आप मूवी थिएटर में लेते थे वो सारा मजा यहाँ पे मिलने वाला है। सारी चीजों का ध्यान यहाँ पे रखा गया है, 3 स्टेप्स यहाँ पे 4 स्टेप्स यहाँ पे बनाए गए हैं जो सभी लोगों को आगे मूवीज का मजा मिले, तो आराम से आप कहीं से भी कनेक्ट करके मूवीज देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने प्ले एरिया की ओर। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर एक पूरे आपके गार्डन टेरेस पे चेयर टेबल सारे लगाए हुए हैं। तो ये आपका प्ले एरिया आने वाला है, बॉल पूल आप यहाँ पे खेल सकते हैं, 2 गेम्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, सुपर मारियो भी यहाँ पे लगा हुआ है, आप आराम से इसे खेल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका प्ले एरिया होने वाला है, इसी में आपको यहाँ पे एक टीवी भी लगा के दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा इस साइड था आपका मूवी थिएटर और ये अपना हो गया प्ले एरिया। इसके बाद चलते हैं अपने जिम की ओर। तो ये आपका जिम होने वाला है, आप बाहर से लुक देख सकते हैं, पूरा जिम वाला ही तैयार किया गया है। तो ये पूरा आपका इन होम जिम भी दिया हुआ है, आपको अपने फ्लैट से कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें आपको यहीं पे मिलने वाली है। इस सेट की बात करें तो सारे अलग अलग वेट के आपके डंबल रखे हुए हैं, ये सारी की सारी यहाँ पे मशीन रखी हुई है, ये आपके साइकिलिंग मशीन है, रनिंग मशीन है, तो सारी की सारी यहाँ पे फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। ये पूरा आपका जिम है। इसके बाद चलते हैं अपने लाइब्रेरी की ओर। तो ये अपना एरिया जो है लाइब्रेरी का है,
आपको यहाँ पे कुछ सीटें यहाँ पे रखी हुई मिलेंगी, आप अपनी बुक ले सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अभी इतनी बुक्स देख रही है, बहुत तरह की बुक्स यहाँ पे आने वाली है, अपने भी बुक आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा लाइब्रेरी एरिया है, वेंटिलेशन आपको हर जगह से मिलने वाली है, ऊपर पीवीसी पैनल्स भी लगाए गए हैं, तो पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे रखा गया है, पूरा वर्क आपका टाइल से किया गया है। तो आपने अभी तक चार चीजें देख ली है, इसके बाद बीच में ही आपने वहां से एंट्रेंस करी थी, एंटर करते ही ठीक सामने आपका मंदिर एरिया आने वाला है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी की मूर्ति रखी है और ये आपका मंदिर एरिया है। इस साइड से आपको योगा का स्पेस मिलने वाला है और ठीक सामने आपको स्विमिंग पूल भी, छोटा सा मिनी स्विमिंग पूल आपका बनाया गया है। और इस साइड से आपको बहुत ही बड़े एरिया में प्ले एरिया यहाँ पे मिलता है, आप सारी चीजें यहाँ पे खेल सकते हैं। फुटबॉल के लिए आपको दोनों तरफ कोर्ट दिखेंगे, यहाँ पे आपका बास्केटबॉल है, क्रिकेट आप खेल सकते हैं, नेट चारों तरफ लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा टेरिस है, सारी चीजें आपने देख ली, चाहे वो मूवी थिएटर हो या प्ले एरिया वहां पे हो, बॉल पूल हो, उसके बाद जिम हो, इसके बाद लाइब्रेरी हो, यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा प्ले एरिया है, स्विमिंग पूल है, मंदिर है, सारी की सारी चीजें आपका टेरिस में ही होने वाला है। पूरा का पूरा प्लॉट 900 गज का है, जिसमें से मैंने आपको अभी 100 गज की एक 3 BHK की यूनिट दिखाई है। तो कैसा लगा है फ्लैट कमेंट करके जरूर बताइएगा। की फीचर्स तो आपने देख ली है, सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका उत्तम नगर वेस्ट है, फ्रंट में आपको 30 फुट का रोड मिलता है, कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, लिफ्ट की फैसिलिटी आपको मिलती है।